विदिशा जिले की लटेरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा भी शामिल हुए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, जिसमें मोदी की हितग्राही योजनाएं आम नागरिकों तक पहुंचाने और उनका आम जनता तक लाभ मिले, इसको लेकर की ये यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन इस संकल्प यात्रा का लटेरी के वार्ड के नागरिकों को स्थानीय प्रशासन द्वारा सूचना न मिलने और विकसित यात्रा हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ नागरिकों को ना मिलने से क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने खासी नाराजगी जाहिर की है और SDM को निर्देशित किया है कि जो भी भारत विकसित संकल्प यात्रा में उपस्थित नहीं हो सके हैं उन्हें नोटिस दीजिए। लटेरी से शफीक खान की रिपोर्ट। सर हमने पहले उनको नोटिस दिए तीन, फिर उसके बाद परिषद में रखा विषय को, फिर परिषद ने उसे निरस्त किया। परिषद में इतने देर से क्यों आया? पहला नोटिस बताओ, लाओ कब दिया? लाओ लाओ नगर पालिका पास में जाओ ले गया और कामों की भी ले आ रहा। सबसे पुराने कितने काम है? 22 के। सर हमारे सिर्फ दो काम पेंडिंग है। कौन कौन से? संस्कार समाज का और दिवाला माता मंदिर का। दिवाला माता मंदिर में क्या व्यवधान आ रहा? गड्ढे खुद गए हैं सर। गड्ढे मेरे? नहीं सर। किसके? कॉलम के। इतने दिन बाद खुदे? मैं जलूंगा, गड्ढे मत खुदवाना। आप केवल ट्रांसफर की धमकी दे तो मैं ट्रांसफर करा लूंगा। आप कल ट्रांसफर करा रहे हो तो आज करा लो। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के जब तक कर्मचारी TI के रूप में, नगर निरीक्षक लटेरी के रूप में, तब तक आपको जनता को भी सम्मान देना पड़ेगा। नियम और संविधान के अनुरूप अपनी ड्यूटी देनी। मुझे पता है कि आपके दिग्विजय सिंह जी से संबंध है, आप खुद कहते हो आना भी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, पार्टी के नेताओं के संबंध किसी से भी हो, आम जनता के और व्यक्तिगत रूप से वर्दीधारी और कर्मचारी के भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप मध्य प्रदेश शासन की पुलिस की वर्दी पहने और ड्यूटी कर रहे हैं, तब ना आप उमाकांत के हैं ना दिग्विजय सिंह के।